कायदे कानून, रीतपाल और सोच बहुत ही अलग हो। किसी को चप्पल और जूते क्या है वो भी नहीं पता, और वहां के महाराज जो बहुत ही चिंतित है कि उनका राजकुमार राज्य में कड़ी धूप की वजह से खेल नहीं पा रहा, इसका समाधान कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या किसी को पता है, क्या आपको पता है? तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूं एक अंधेर नगरी में, जहां आजकल बहुत उजाला है। करो, अरे रुक रुक रुक, पहले मुझे जूते तो पहनने दो। अरे पर जा कहाँ रहे हैं? अपना मुंह बंद रखो। नमस्कार प्रिय दर्शक, कभी आपने सोचा है कि आपका हाल क्या होगा जिसमें इतनी ज्यादा धूप जिसमें बाहर ही ना निकल पाओ? इतनी गर्मी कि मानो गर्मी की बारिश हो रही हो। अरे पर हमें बस खाना दो ना। जी कपड़े और जूते पहनकर घर से निकला करो। अब कीना काम की बात, जूते यहाँ अगर लोगों को पता नहीं हो ये क्या होते हैं। अरे किसी की जगह है पूरी दुनिया में जगह लोगों को कीना पता होगी क्या होता है? हाँ ऐसी जगह है हमारे नाटक में जो लिखा गया है श्री विजय तेंदुलकर से, मूल रूप से मराठी में लिखा गया चंबल चौकसी नाटक, मतलब द प्ले ऑफ रोजीवाल। सूरज को कैसे डरते? रुको रुको, क्या आप में से ऐसा कोई डर सकता है? क्यों मंत्री पागलों जैसी हरकतें कर रहा है? कैसे छुटकारा पा सके ये बेवकूफ राजा से? तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं द प्ले ऑफ रोजी पार्कर। हमारे राज्य के प्रदूषक है, इनसे सबूत हमारे राज्य में कोई नहीं।
दूसरी चीज क्या ऐसी चीज है जो सुबह में उठती है और शाम में ढल जाती है? Thank you.
Thank you.
लेकिन यहाँ पर सब कुछ कितना अलग है। यहाँ के सारे लोग नंगे पांव घूमते हैं। यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, मुझे कहीं और ही जाना चाहिए। पकड़ो इसे, रोको उसे, उसे पकड़ो। निश्चित रूप से यहाँ से समाचार वापस लेना ही है। हमारे यहाँ एक नियम है, अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है उसे हम तोप से उड़ा देते हैं। तो चलो इसे भी उड़ा देते हैं। लेकिन सिपाही जी, मैं जासूस नहीं हूँ। अगर तुम जासूस नहीं तो तुम चोर होगी। नहीं नहीं, मैं चोर भी नहीं हूँ। अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम कुछ तो होगी ना। बस तो फिर अब हम तुम्हें तोप से उड़ा देते हैं। लेकिन मैंने किया क्या है? चुप, ये सब काम है नहीं पता। तुम कैसे उड़ोगी इस आकाश में एक गेंद की तरह? पकड़ता तो सूरज को पकड़ लेना। इतनी सारी तो की गोले मारे पर एक दरोस नहीं उसमें। अब हम उसे कैसे निपटाएंगे? निपटेंगे किससे? सन से। हाँ हाँ, सूरज से निपटेंगे। देर से वो अलग तरीके से उभरे उड़ा है। हमें रात भर के पैर जलते हैं जलते हो। और क्यों उसके पैर जलते? अरे हाँ, अगर गर्मी होगी तो उसके पाँव नहीं जलेंगे। और अगर तुम्हें खेलना होगा तो तुम पूरे दिन घोड़े पे थोड़ी खेलोगे। बस तो फिर अभी बहुत हो गया, अभी इसे खत्म करते हैं। चलो उड़ा देते इसे। रुको रुको, मैं जानती हूँ सूरज का ध्यान कैसे रखना है। तुम अजीब हो गरीबी, तुम सूरज को कैसे संभालोगी? सिपाही, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे महाराज के पास ले चलो। ये लड़की एक बहुत बड़ी समस्या है, ले चलते हैं इसे। चलो परेशान नहीं करेगा। अभी मैं जितना चाहे खेल सकती हूँ, जितना चाहे मजे ले सकती हूँ।
खुशनसीब है कि आप यहाँ पर आए। वैसे ये अच्छी अच्छी चीजों को क्या कहते हैं? चप्पल चप्पल कहते हैं। चप्पल आज से अंधेरे नगरी में आप हमारे प्रधानमंत्री नहीं रहे। अंधेरे नगरी के नए प्रधानमंत्री आज से शिल्पा है। अब आज से वे अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगे और अंधेरे नगरी का नाम रोशन करेंगे। सेनापति हमारे नए प्रधानमंत्री आदेश दीजिए। सेनापति आज से जो भी अपनी नाग लोगों के बातों में अड़ाएगा उसे हम सब रोजी बादल बुलाएंगे। मैं प्रधानमंत्री बने क्योंकि मैंने लोगों की बातों में ना खड़ा और व्यर्थ सवाल। मेरा आविष्कार कैसे हो सकता है? आपकी खुद